आज मैं आपको एक स्कूल स्टूडेंट की कहानी सुनाता हूँ। जो कुछ भी उसने स्कूल में सुना सीखा, उसको किस तरह से एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिज्ञासु होकर के आगे बढ़ता है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है बटरफ्लाई से रिलेटेड। स्कूल में उसके टीचर ने पढ़ाया कि जो कैटरपिलर्स होते हैं वही बटरफ्लाई बनते हैं। तो उसने पूछा कैसे। टीचर ने पूरी बात को उसको एक्सप्लेन करके समझाया कि किस प्रकार से कैटरपिलर है, उसके अराउंड कोकून बनता है और फिर वही कोकून से निकल करके बटरफ्लाई कैसे बनता है। वो पूरी कहानी और समझने के बाद लगातार उसकी जिज्ञासा बनी हुई थी कि मुझे कब देखने को मिलेगा ये सब बनता हुआ। आखिर वो चांस मिल गया उसे। अपने घर के बाहर एक पेड़ में जो छोटा सा पौधा था उसमें उसने देखा कि एक जो है कोकून बन रहा है। उसने कहा अब मौका आ गया उस चीज़ को समझने के लिए जो हमारे टीचर ने कहा है सही है या गलत है। ये कैसे हो सकता कि एक कैटरपिलर जो है ये बटरफ्लाई कैसे बन सकता है। हुआ ऐसा कि वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन एक समय आया जब उसको दिखाई दिया कि कुछ उस कोकून से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इनवे दो पैर उसके नजर आने लगे कि बटरफ्लाई अब बाहर निकलने वाला है। तो वो सैटरडे का दिन था, स्कूल में छुट्टी थी। वो सोचा आज का दिन जो है मेरे लिए सही दिन है, चूंकि आज छुट्टी भी है, आज मैं पूरे दिन इसको वॉच करूंगा। तो कभी घर चला जाए, फिर आकर के बैठ जाए, फिर कुछ खाते हुए वहां बैठ जाए, देखता रहा दूर से कि क्या होने वाला है। वो पूरी जो तमाशा है वो देखना चाहता था। हुआ कुछ ऐसा कि एक समय आया जब शाम होने को टाइम था, तो बटरफ्लाई जो है अपने बॉडी के साथ 50% बाहर निकल चुका था। अपने पेट से नीचे का जो एरिया था उसका अभी भी कोकून के अंदर दबा हुआ था। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि उसको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है निकलने के लिए लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, काफ़ी पेन हो रहा है उसको। तो इसको देखकर जो स्टूडेंट है वो बच्चा है उसके दिमाग में एक दर्द आया, एक फीलिंग आई कि क्या मैं इसकी मदद कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो जल्दी से वो घर के अंदर गया और एक छोटा सा सीजर निकाल करके ले आया और कहा कि जो इसकी मदद करता हूँ, जो इतनी मेहनत कर रहा है निकलने में, मैं थोड़ी सी मेहनत करता हूँ, इसके सीजर से इसके कोकून को काट देता हूँ ताकि बाहर निकल जाए। और उसने वैसा ही किया। हुआ ऐसा कि वो बटरफ्लाई जो है बाहर तो निकल आया लेकिन हाफ डेवलप्ड। जो फ्रंट के पोर्शंस थे उसके वो तो डेवलप हो चुके थे लेकिन टमी लाइन से जो पेट से नीचे का जो एरिया था जिस पर प्रेशर पड़ रहा था, जिसके लिए वो लगातार संघर्ष कर रहा था, ये वो समय था उस बटरफ्लाई के लिए जिसके अंदर उसके विंग्स में स्ट्रेंथ आने थे, लिक्विड्स को फ्लूड को उसके पूरी विंग्स में जाना था, मजबूत विंग्स बनने थे लेकिन वो नहीं बन पाए। अंजाम ये हुआ कि वो कैटरपिलर हाफ बटरफ्लाई के रूप में बाहर निकल तो गया और वहीं घूमने लगा, छटपटाता रहा और वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाया। इसको देखकर बड़ा दुख हुआ उसको। सोचा ऐसा क्यों हुआ, टीचर ने कहा तो था कि निकल जाएगा और मैंने तो इसकी मदद की। तो वो फिर दूसरे दिन स्कूल में गया टीचर के पास बहुत उदास होके, राधर एक कंप्लेन के साथ कि सर आपने तो कहा था कि बटरफ्लाई निकलता है, वो तो ठीक है, कैटरपिलाई को मैंने देखा बढ़ते हुए कि कैटरपिलर धीरे धीरे बनकर बटरफ्लाई बनने लगा लेकिन वो निकल नहीं पाया और तब मैंने उसकी मदद की तो वो घूम फिर करके बाहर तो निकल आया लेकिन मर गया। ऐसा क्यों हुआ, उसके टीचर ने समझाया, देखो बेटा आपने गलती कर दी, क्योंकि जो उसके आखिरी मोमेंट के संघर्ष थे उसी में उसके पंख बनने थे, उसी में उसको विंग्स में स्ट्रेंथ आना था, क्योंकि वो सारी जो प्रोसेस थी उसका फाइनल जो लेवल वही था कि जो लास्ट मोमेंट में जो उसका प्रेशर उसके पेट पे पड़ रहा था उसी फ्लूइड को जाकर के उसके विंग्स में जाने से उसको मजबूत बनने थे। आपने उसको पूरी डेवलप नहीं करने दिया, आपने उसकी मदद करने की कोशिश में उसके आखिरी मोमेंट की जो सफलता है उसको मार दिया। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। कुदरत से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कैटरपिलर ही बटरफ्लाई बनते हैं एंड जो वाटर बग्स हैं वही ड्रैगन फ्लाई बनते हैं। और सबके प्रोसेस में एक संघर्ष है, एक कोशिश है, एक बर्निंग डिजायर है, लेकिन साथ साथ उसको जो संघर्ष का सामना है वो करना ही पड़ता है। मनुष्य के जीवन में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें होती हैं। इंसान अपने संघर्ष थोड़े समय कर लेता है लेकिन बाद में जब एक बहुत कठिनाई के मोमेंट में आता है सोचता है कि शायद कोई मुझे फ्री कर दे, रिलीज कर दे। ये गलती यदि हो गई तो वही होगा जैसे कि बच्चे ने लास्ट मोमेंट में उसके दर्द को कम करने के चक्कर में
उसके संघर्ष को ख़त्म कर दिया और उसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसलिए यदि आपके लाइफ में कोई संघर्ष चल रहा है तो ये सूचक है इस बात का कि आप कुछ करना चाह रहे हैं। ये इस चीज़ का आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि संघर्ष बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि अभी आपकी हाइट अभी जानी है, आगे बढ़नी है। आमतौर पर इंसान इसको अपना मुसीबत समझ देता है, आमतौर पर गिव अप करने की टेंडेंसी आने लगती है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से मुझे मिलने का मौका मिला और इस तरह के इंटरव्यू जब भी मैंने लिए, जो सक्सेस फिक्स प्रोग्राम के नाम पर आज यूट्यूब चैनल में भी हैं, अधिकांश लोगों ने भी यही कहा कि एक समय आता है एग्जामिनेशन की तैयारी करने के दौरान में जब कैंडिडेट सोचता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, और यही वो वक्त होता है जहां अपने आप को संभालना होता है। ये घटना आपके जीवन में भी हो सकता है, आपके करियर में भी हो सकता है, आपके बिजनेस में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है। जैसे संघर्ष का एक एक्सट्रीम आता है, इंसान टूटने लगता है, और जैसा कहते हैं कि सुबह के सवेरा की जो रोशनी है उसके पहले का जो अंधेरा वो बहुत घनघोर होता है। इंसान आमतौर पर उसी समय टूट जाता है जब उसको कुछ रियली प्राप्त होना होता है। आपको भी अपने जीवन में देखना चाहिए, यदि आपकी मंजिलें बड़ी हैं, यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं जीवन में, तो तैयार रहिए, आपको संघर्ष भी बड़ा करना होगा। लोग आपका मजाक बना रहे होंगे, लोग आपको वो रास्ते दिखा रहे होंगे कुछ संघर्ष से भाग करके किसी आसान रास्ते में चले जाए, लेकिन हो सकता है कि अभी तक की सारी कोशिश जो आपने डायरेक्शन लिया है और जहां आपको मंजिलें प्राप्त होनी है, लक्ष्य प्राप्त होना, उससे पहले आप भटक जाए। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपकी हमदर्दी जताने वाले लोग आपके आसपास आते हैं। उसमें ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरी गोल है उसके लिए ये जो हमदर्दी है हमारा बाधक बन रहा है। मुझे उम्मीद है इस बटरफ्लाई की स्टोरी और बच्चे की स्टोरी से आप अपने जीवन में इस चीज़ को उतारने की कोशिश करेंगे कि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, मेरा मानना है कि हो सकता है वो व्यक्ति जिंदगी का सबसे नालायक व्यक्ति हो। उसको या तो किसी बनी बनाई चीज़ मिली हो जिस, लेकिन उसमें कोई इनोवेशन उसका नहीं होगा। कुछ अलग करना है, अपनी पहचान बनानी है, अपनी जगह बनानी संसार में, और एक सेटिस्फेक्शन पाना है कि मैंने भी जीवन में आने का एक मकसद पूरा किया। तो उसमें एक ही बात आपके सामने आएगी कि संघर्ष के लिए आप तैयार रहिए, लक्ष्य बड़ा बनाइए और एक एक्शन प्लान बनाइए, परसीवेरेंस रखिए। अथक प्रयास ही मनुष्य को वहाँ तक पहुँचाता है और अपनी मंजिलों का स्वाद देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात आपके जीवन में उतारने में मदद करेगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।